नमस्कार, मैं बिहारी बाबू हेमराज। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है, 12 तारीख को हमने सारा एप्लीकेशन जो था भरा था, और उसके बाद मुझे 15 तारीख को मेरा चैनल जो है से मोनेटाइज हो चुका था। तो देखिए, मैंने माँ भगवती के शरणों में मैं आया था, और उसके बाद मैंने दशहरा पर बहुत सारे वीडियो मैं बनाया था। बहुत सारे वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ कि मैं नहीं जानता था कि मेरा जो वीडियो है सो लोग मुझे इतना देखेंगे मेरे वीडियो को। उसके बाद मैं डेली जो है से माँ भगवती पर और दशहरा के बारे में जो भी ओबरा में होता था मैं उसे दिखाना स्टार्टिंग कर दिया, और लोग मुझे मेरे चैनल को पसंद करने लगे, और मैंने मेरा 1000 पूरा हो गया, और उसके बाद 4 घंटा वॉचिंग जो होता है वो भी मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद YouTube का जो भी प्रोसेस होता है मैंने सारा कर चुका था, और उसके बाद मुझे 3 दिन के बाद मुझे मेल आया कि आपका जो चैनल है से मोनेटाइज हो चुका है, और मैं बेहद खुश हूँ। आज मैं भगवती माँ के मंदिर में भी आया हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और मैं सुबह में आया हूँ। तो देखिए, आप लोग भी धैर्य रखिए और मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिएगा तो मेहनत का जो फल होता है वो काफ़ी मीठा होता है, वो निश्चित है कि आपको प्राप्त होगा और मिलेगा। मगर आप जो काम जो कर रहे हैं उसे करते रहना है। मगर याद रखें कि जो भी काम करे एक अच्छा करे कि लोगों को पसंद आए। तो मैं आज भगवती मंदिर में आया हूँ यहाँ पर, और पूजा पाठ भी किया, लेकिन मैं बेहद खुश हूँ और लोगों को भी बताया। तो देखिए, आप भी मेहनत कीजिए, और मैं थोड़ा सा आपको देवी माँ का जो यहाँ पर मंदिर है मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मैं एक बार ओबरा का जो देवी मंदिर है वहाँ का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर, ऐसे लोग कहते हैं कि ओबरा का जो देवी मंदिर है पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, जो औरंगाबाद जिला से 15 किलोमीटर पर है और ये बिहार में है। तो देखिए, आप भी अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और पूजा पाठ है जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये रहा देवी मंदिर का सीन है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाया। माँ दुर्गा जी का यहाँ पर एक मूर्ति है, देखिए यहाँ, और बेहद ही खूबसूरत है और बहुत ही देखने लायक है, आप इसे देख रहे हैं। तो इस तरह से मैं देवी मंदिर का फिर मैं आपको दिखाया, जो मैं पहले भी पूरा दशहरा में दिखाया था, और इसे ज़रूर आप लोग पसंद करेंगे।